जाकर के सेठ जी को ब्याज सहित जितना भी पाई पाई चुका दिया। सेठ जी ने पन्ना दिया, रसीद पे लिख दिया कि हाँ इन्होंने मुझे चुका दिया है, और भोला से पढ़ाया ये क्या लिखा है बताओ। भोला कहने लगा रघुनाथ जी जाने अब हम तो कुछ जानते नहीं है। अब हम तो सेठ जी के मन में पाप आ गया, बोला ये तो रघुनाथ जी के भरोसे है, तो मैंने इससे ज्यादा पैसे लिख सकता हूँ। तो भोला से कहा भोला तुम जाओ जाकर के एक ग्लास पानी ले आओ, जल ले आओ मेरे लिए। और बेचारा भोला गया जल लेने को, उन्होंने चिट्ठी पलट दी, कुछ भी लिख दिया चिट्ठी पे और भोला को दे दिया। और भोले ने जाकर के उस चिट्ठी को रख दिया अपने घर में। रघुनाथ जी के मंदिर में रहता तो वहां पर रहता। सेठ जी ने तो मुकदमा कर दिया अदालत में और भोला के नाम का केस बन गया। इसने मुझसे रुपए उधार लिए, इसने मुझे चुकाया नहीं। और महाराज अब ये अदालत में वही जज जो वृंदावन में संत थे जिनको देखकर के लोग बोलते जज साहब आ रहे हैं, तो वही जज अदालत भोला को बुलाया जाए। और भोला तारीख पर आ रहे हैं जज में अदालत में, और जज साहब भोला से कह रहे हैं बोला आपने उधार लिया था? बोला हाँ मैंने लिया था। बोले आपने सेठ जी को चुका दिया? बोले हाँ मैंने पाई पाई चुका दिया। बोले फिर ये कह रहे हैं आपने नहीं चुकाया। अब भोला बेचारा केवट जाति का गरीब व्यक्ति रोने लगा, बोले सच कहता हूँ जज साहब मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने इनके इनके धन को पाई पाई मैंने चुका दिया है। जज साहब ने कहा अच्छा लेकिन रो मत, तुम ये बताओ तुम्हारे पास कोई सबूत है? बोले सबूत हाँ ये रसीद है। तो रसीद को दिखाया, रसीद में तो कुछ लिखा ही नहीं था, बोले सेठ जी ने तो बदल दिया था। अब उस रसीद को दिया तो जज साहब जी जो बैठे थे उन्होंने देखा इस रसीद में कुछ लिखा ही नहीं है, तो खाली है। और बोला बेचारा नहीं मैंने रुपए दिए हैं, आप मेरी बात को समझिए विश्वास कीजिए, मेरे पास और है नहीं कुछ भी, मैंने इनको दिया मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा ठीक है रो मत, तुम ये बताओ जब तुमने सेठ जी को रुपए दिए थे तब तुम्हारे और सेठ जी के अलावा और कोई था? तो भोला की तो वही पुरानी आदत, सच कहता हूँ जज साहब मेरे और सेठ जी के अलावा वहां पे रघुनाथ जी को छोड़कर के दूसरा कोई नहीं था। बोलो जय श्री राम। इसकी तो आदत है। अब जज साहब को ये लगा कि सेठ जी और मुझे छोड़कर के रघुनाथ जी को भी छोड़कर के वहां पे कोई नहीं थे। सेठ जी को लगा रघुनाथ जी को याद नहीं है क्या? अब सेठ जी ने कहा अच्छा ठीक है तुम अगली तारीख को आना जाओ। सेठ जी ने अपने चपरासी से कहा जाओ ये रघुनाथ जी कौन है जाकर के पता लगाओ और बुलाओ। अब वो चपरासी जो है वो महाराज नगरी नगरी गांव गांव भटके उस गांव में कि रघुनाथ जी नाम कौन व्यक्ति है जो वहां पर था, मैं पता चले तो मैं लेकर के अदालत में जाऊं। सम्मन पत्र भेजा गया और वो सम्मन पत्र में रघुनाथ जी को हाजिर होना है अदालत में ये लिखा है। चपरासी ढूंढने निकला, अब भटक रहे हैं पता लगा नहीं, तो चपरासी ने किसी से पूछा भैया ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले रघुनाथ जी तो यहाँ पे कोई है नहीं। तो किसी ने कह दिया हाँ रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। तो चपरासी को ठीक है भैया मंदिर है। तो चपरासी को अभी भी लगा कि रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति है उसका मन का, चपरासी को लगा कि ये पुजारी ही रघुनाथ जी है। और महाराज जो पत्र पुजारी जी को देकर के चपरासी वहां से चला गया। पुजारी ने जैसी पत्र को देखा पर आंखों में आंसू है, भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में पत्र को रख करके प्रभु आपको पोशाक खूब आए, आपके चरणों में लोगों ने भोग तक अर्पित किया, सुमन वृष्टि करी, आज आपके यहां सुमन पत्र भी आ गया प्रभु, आज आपके यहां सम्मन पत्र भी आ गया। और पुजारी जी को समझ गए कि ये तो सेठ जी ने छल किया था, क्योंकि तो भोला तो मंदिर में ही रहता रघुनाथ जी के। भोला को बुलाया पुजारी जी ने, सच बताओ तुमने? अरे पुजारी जी आप ऐसी बात करते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने धन पाई पाई चुकाया है उनको। पुजारी जी का अच्छा ठीक है। और उसे भोला से कहा सुनो अगली तारीख जो होगी ना उस तारीख पे तुमको पहुंचना है, अभी तो निकल जाओ एक दिन पहले पहुंच जाना क्या दिक्कत है। और वो
पुजारी भगवान श्री राम के चरणों में संबंध पत्र को रखते हुए कह रहे हैं, प्रभु उस भोला का कोई नहीं है आपके सिवा, और उसके पास कुछ है भी नहीं आपके सिवा, लेकिन प्रार्थना है आपसे कि उस भोला को आप दर्शन दीजिए, कृपा कीजिएगा, जाना जरूर प्रभु आपसे, आपको जो पोशाक अच्छा लगे जैसा बनकर के आप जाएं, लेकिन आप जाना जरूर। और वो बोला वहां से अदालत के लिए और निकल गया, और वो तो यही कहे, हरी बिन संकट को जी आज गवाह बने आए हैं।
आज गवाह बने आए हैं और उस कटघरे में रघुनाथ जी को खड़ा किया गया, गवाह बने हैं रघुनाथ जी। आज एक भोला भक्त के लिए या पास भोले के पास में एक विश्वास को छोड़कर अब रघुनाथ जी आ गए हैं। अच्छा, ये आपके सामने इन्होंने इनको रसीद दी थी, धन दिया था पूरा। रघुनाथ जी ने कहा, इन्होंने मेरे सामने दिया है। बोला, वो रसीद किधर है? बोला, वो रसीद अलमारी के 32 नंबर दरवाजे के पीछे है, अलमारी के भीतर जो होता है ना उसके पीछे। अच्छा, किताबों के बीच में पड़ी छुपा करके सेठ जी ने रखा है। और महाराज सेवक भेजे गए, बरी मिल गई, सेठ जी को दंडित होना पड़ा, रघुनाथ जी तो चले गए, काम तो हो ही गया था। आज जज साहब ने सोचा, इतने दिन हो गए लेकिन ऐसा गवाह मुझे आज तक नहीं मिला, तो ये गवाह है किधर? मुझे पता लगाना पड़ेगा, मैं मिलूं तो सही इससे। अब उस भोला केवट जाति के भोला से पूछते हैं जज साहब जाकर के, अच्छा भैया ये रघुनाथ जी किधर रहते हैं? अच्छा, अरे मतलब तुम रघुनाथ जी रहते कहाँ हैं? बोला, रघुनाथ जी मंदिर में। अच्छा, ये रघुनाथ जी का मंदिर है क्या? जब साहब ने कहा, वो तो दिखने में भी कुछ ज्यादा धर्मान नहीं लग रहे थे और मंदिर उनका हो ऐसा लगता नहीं है। बोले, मंदिर के भीतर जो बैठे हैं वही रघुनाथ जी हैं। और जब साहब को मारा चक्कर आने लगे, बोलो जय श्री राम। भीतर कमरे में गए और उस कमरे में जाकर के रो रहे हैं। बात की बात है, केवट ने पूछा, आप क्यों रोते हैं? अरे रोने का कारण क्या है? तो आज जज साहब केवट को बता रहे हैं, कृष्ण शरद नारद शेष गणेश हूं के नहीं ध्यान में आते केवट ने कहा, तुम रोते क्यों हो, रो क्यों रहे हो? तो जज साहब कह रहे हैं, आप ही समझेंगे। और जज साहब बोले, सुकृतों के उदर्श को भयो दुखी ज्ञाते कुर्सी पे बना जज बैठा रहा जगदीश खड़े सम जाते रहे। बोलो जय श्री राम। रोने खड़े गवाही देते रहे, इससे बड़ा पाप और मैं कर क्या सकता हूं? भगवान खड़े में बैठा रहा, तब से वो जज साहब जो है वृंदावन चले गए और मंदिर के भीतर नहीं जाते। मंदिर के बाहर से ही भगवान को प्रणाम कर लेते और मन ही मन कहते, मैं भगवान को मोह दिखाने लायक नहीं हूं, मुझसे अपराध हुआ है। मैं खड़ा रहा, मैं बैठा रहा, भगवान खड़े रहे, ऐसा तो बाहर ही रहते। और बोला, उसके पास तो क्या था, लेकिन भगवान ने कृपा करी, बोले रामचंद्र जी महाराज कृपा करी। हम लोगों ने राम जी के चरित्र को श्रवण किया, अब आइए फटाफट चंद्र वंश में हम प्रवेश करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। संसारी हुई आयु सुतायु सत्यायु रहे जय और विजय। आगे चलकर के वंश में हुए गांधी जिनकी पुत्री सत्यवती का विवाह ऋषिक मुनि के साथ में कराया गया और
चरु पलटने के कारण कदाचित गाधी के हुए विश्वामित्र और ऋषि मुनि के यहाँ वे जमदग्नि जमदग्नि के चार पुत्र हैं। छोटे वाले पुत्र का नाम परशुराम, विश्वामित्र के 100 पुत्र हैं। आगे चलकर के वंश में वह नहुष, यति, ययाति, संयाति, आयाति, वयति, प्रति, के वंश में हुए जो ययाति हैं, उसका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ कराया गया। दहेज में सर्विष्ठा आ गई। देवयानी से वे यदु दुर्वसु सर्विष्ठा को पत्नी रूप में स्वीकार किया तो अनुद्रुह और पुरु हो गए। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया तुम्हें वृद्धावस्था प्राप्त हो जाए तो उनके जो सबसे छोटे पुत्र हैं पुरु, उनको दया आ गई पिताजी पर। पिताजी की अवस्था लेकर के अपनी अवस्था दे दी पिताजी को। पिताजी के मन में वैराग्य आया, पुत्र की अवस्था उसको वापस दे करके अपनी वृद्धावस्था ग्रहण करके ययाति जी चले गए मन की ओर। हाँ, इन्हीं गुरु के वंश में गुरु वंश बढ़ा और पांडव भी इसी में हुए। दुष्यंत हुए, भरत हुए, रंगदेव हुए। आगे चलकर के वंश में हुए राजा देवमीड, हाँ, जिनकी दो पत्नियां हैं, एक से हुए सूरसेन और एक से हुए अजन्य परजन्य प्रेम से गुरु राधे राधे। देवकी है उसी के यहाँ भगवान नारायण बनकर के श्री कृष्ण बनकर के पधारे, जिनके प्रथम 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 7वां पुत्र संकर्षित हो गया, 8वां पुत्र भगवान बनकर के आए हैं। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पन्ना झूला, वृंदावन में रास किया, मथुरा करके कंस का उद्धार किया, द्वारकाधीश गए, कौरव पांडवों की लड़ाई हुई सज्जनों, और 125 वर्ष लगभग लीला करके अपने धाम पर चले गए भगवान। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। ये कहकर सुखदेव जी महाराज चुप हो गए, मौन बिल्कुल। अरे महाराज आपने कथा सुना दी? बोले और सुना तो दी। हाँ, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पल्ला झूला, वृंदावन में रास किया, पूरी कथा सुना दी और सब लोगों ने प्रणाम किया शुभदेव स्वामी को। प्रभु परीक्षित जी कहते हैं, बोले मैंने जन्म बाद में लिया था, लेकिन उसने मुझे दर्शन पहले दिया, मेरे प्राणों को उसने बचाया, और आप उसकी कथा नहीं सुनाते। तो शुभदेव जी महाराज बोलते हैं, अरे चलो ठीक है, मैं सुनाऊंगा कथा, लेकिन तुम कुछ भोजन पानी को ग्रहण करो, तुमने कुछ नहीं किया। अरे आपको तो आदत नहीं है परीक्षित जी महाराज, लेकिन संतों को तो आदत है, आप कुछ पा लीजिए, फिर हम कथा सुनाएंगे। परीक्षित जी ने कहा, कृष्ण की कथा भूख प्यास मिटा देती है। बोलो राधे राधे। तभी 2 बजे से बैठे थे, वो 6 बजे तक कोई यहाँ पे जल ग्रहण नहीं करते, है कि नहीं? भूख मिटाती है कि नहीं? प्रेम से बोलो। और महाराज सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी महाराज, जिनकी पत्नी गर्भवती थी, पुत्र हुआ, द्रुमिल राक्षस की छाया पड़ गई थी, तो पुत्र होने के बाद वो राष्ट्र को बचाओ। हाँ, एक नगर को त्यागने से राज्य बचता है तो नगर को त्यागो, राज्य को बचाओ। एक गांव को त्यागने से नगर बचता है तो गांव को त्यागो, नगर को बचाओ। एक मोहल्ले को त्यागने से गांव बचता है, मोहल्ले को त्यागो, गांव को बचाओ। एक घर को त्यागने से मोहल्ला बचता है तो घर को त्यागो और मोहल्ले को बचाओ। और घर के एक सदस्य को त्यागने से पूरा का पूरा घर बचता है तो सदस्य को त्यागो और घर को बचाओ, शास्त्र कहता है। तो पुत्र कदाचित कुलांगार हुआ है तो पुत्र का त्याग किया, लता पत्र आदि में बहा दिया, वहां सूरसेन जी तर्पण कर रहे थे और वसुदेव जी जिनके पुत्र हैं, वही सूरसेन जी ने कंस को भी गोद लिया। वसुदेव जी और सूरसेन का बचपन साथ में बीता। कंस तो बड़े हो रहे हैं, वीर हो रहे थे, तो नारद जी ने कहा, अरे कंस कहां तुम यहां पर हो, तुम तो राजा हो, मथुरा के युवराज हो। बोले क्या बात करते हैं आप? बोले हाँ। नारद जी पहुंच गए कंस के पास, बोले तुम्हारे पिताजी उग्रसेन जी महाराज ने छल किया है, जाओ तुम तो युवराज हो, तुम कहां यहां पर हो। कंस ने महाराज बड़ी भारी सेना तैयार करी और मुष्टिक चाणूर केसी अकासुर फकासुर सकासुर धेनुकासुर पूतना सबको सेना में शामिल करके कंस ने चढ़ाई कर दी।
और मथुरा पर पूरा डेरा जमा लिया। अपने पिताजी को तो जेल में बंद किया, अपने चाचा को जेल में बंद कर दिया कंस ने। और अब कंस संतों का सम्मान बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, पाप बढ़ रहा है। पृथ्वी मैया रसातल में जाने वाली थी तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी मैया को रोका। पृथ्वी मैया, अरे देवी कहाँ जा रही हो? बोले मैं और नहीं रह सकती। बोले क्यों? बोले कंस के पाप से मुझे बचना है, मैं तो जाने दीजिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब जब हो धर्म की हानी, जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है। कर लिया, और जो दहेज दिया है कंस ने, सच्चो आप निर्णय नहीं कर सकते। इतने आरती, कितने घोड़े, मोती, चांदी, सोने, अशर्फियां, कितना दिया कंस ने। अपनी बहन पर कंस को प्यार आया, और आज उसी बहन का कन्यादान करने के बाद कंस रथ पर बैठा है, हाथ में चाबुक लिए या हाथ से रस्सी को पकड़ा है। वसुदेव जी विराजमान है। अगर देवताओं से थोड़ी देर रह जाती तो बेचारी देव की मैया अपने मायके से ससुराल पहुंच जाती, लेकिन देवतागणों से देरी नहीं हुई और कंस लेकर के जा रहे हैं देवकी को रथ पर बैठ करके। और इतने में सज्जनों आकाशवाणी हो गई आकाश, और जो आकाशवाणी हुई ऊपर से देवतागण कहने लगे, ए कंस, जिस बहन का तूने अभी कन्यादान किया है उसका ही आठवां गर्भ तेरा काल होगा। और कंस ने तो जैसे ही ये सुना, सज्जनों नग्न तलवार निकाल करके माता देवकी को मारने को दौड़ा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? जिस बहन का कन्यादान किया उसको ही मार दोगे? बोला इसका पुत्र यदि मुझे मारेगा तो मैं इसे अभी खत्म कर रहा हूं। अरे पुत्र मारेगा ना तो सुनो मेरी बात, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसका पुत्र मारेगा तो मैं इसके पुत्र को दे दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। और महाराज कंस ने बात मान ली वसुदेव जी की, अच्छा ठीक है, पुत्र इसके जितने भी होंगे बोले मुझे दे देना। तो हाँ, आज पहले तो यही कहा था कि मुझे आठवां ही पुत्र देना, मैं उसे मार दूंगा। तो मैं बार बार कहता हूँ ना, दो लोगों में खटपट मचती है तो तीसरा ये, अगर आपसे किसी ने कहा इसमें पहली गुल्ली कौन सी और आठवीं कौन सी तो आप बता पाएंगे क्या? बोले जो आठवीं हो सकती है वो पहली भी हो सकती है, और जो पहली है वो आठवीं भी हो सकती है, वो भी हो सकता है। फिर अच्छा, और फिर देवकी को मारने दौड़ा कंस। अब क्या हुआ? बोले मुझे नहीं मालूम इसका पहला गर्भ आठवां है कि आठवां गर्भ पहला है, तुम चाहते क्या हो? बोले अगर तुमने सारे पुत्र मुझे दे दिए तो मैं इसे जीवित छोड़ता हूँ। बोले जैसी आपकी आज्ञा। और कंस को वसुदेव जी ने कहा कि छोड़ दो, मेरी पत्नी को छोड़ दो तुम। कंस मान गया, और देव की माता वसुदेव जी कंस के ही जेल में रह रहे हैं। प्रथम के छह पुत्रों को कंस ने मार दिया, कीर्तिमान आदि को। भगवान नारायण ने आज योग माया को अपने पास में बुलाया, और बुलाकर के क्या कहते हैं प्रभु योग माया से? आपको दो काम करने हैं। कौन सा काम? एक काम तो ये करना है कि देवकी मैया का जो सातवां गर्भ है, जो बालक है, सातवां जो गर्भ के भीतर है, उसको संकर्षित कर देना है रोहिणी माता के गर्भ में। अच्छा, दूसरा काम ये करना है कि आप पूरी यशोदा मैया के गर्भ में जाकर के स्थापित हो जाइए। फिर मेरे बाबा मुझे लेकर के वहां पर आएंगे और आपको लेकर के चले जाएंगे, आपका बहुत नाम होगा।
जो मैंने ही किया, सातवां जो गर्भ है उसको अंदर ही अंदर संकर्षित रोहिणी माता के गर्भ में किया और स्वयं जाकर के यशोदा मैया के गर्भ में स्थापित हो गई योग माया। और आठवें गर्भ के रूप में भगवान श्री नारायण आए हैं आज। और जो ही भगवान नारायण आए तो देवकी माता का जो गर्भ है वो प्रकाशित हो गया। देवकी मैया सुंदर हो रही है, प्रकाश स्वरूप भगवान आए हैं तो गर्भ भी प्रकाशित होगा। वैसे तो हम गर्भ स्तुति गाते हैं सज्जनों, लेकिन आज मुझे लगता है इतने श्याम प्रभु प्रेमी हैं, इतने श्याम भक्त विराजमान है, तो मैं श्याम सरकार को ही प्रणाम करें। भगवान पधारे हैं आपके घर में। के सबसे बड़े हो जाता है इस मत वालों से।
सब लोग ब्रजवासी गण सब महान मन वाले रह गए हैं। नंद बाबा यशोदा भैया सब लोग बधाई का आनंद ले रहे हैं, पाठ करेंगे उसके बाद हम लोग बधाई का आनंद प्रेम से लेंगे। सब बैठ जाएंगे यहाँ पे जितने भी है उस स्पीकर के साथ से बैठ जाएंगे आप, और बाकी सब आगे पूजन करेंगे तो उसके वाचन का पाठ हो रहा है ब्राह्मण द्वारा। Yeah.
साठ
साल के बूढ़े देखो आज जवान नाचे कूदे धूम मचावे गावे मीठी तान नंद जी के जय हो नंद जी के जय हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई सो बारी बधाई लोगों सो बारी बधाई लोगों सो बारी बधाई लोगों सो बारी बधाई लोगों लाख बार बधाई नंदना में बज रही आज बधाई नंद जीवे लाल तिहारो ये आशीष हमारी जग युग देव आशीष सब ही मिल ऐसे देव आशीष सब ही मिल ऐसे देव आशीष मिले सब गाव ब्रज बनवारी नंद जी के नंद जी के बज रही आज बधाई सो बारी बधाई लोगों सो बारी बधाई लोगों सो बारी बधाई लोगों सो बारी बधाई लोगों लाख बारी बधाई नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई और जो आया हो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया
कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। Thank you.
जन्मदिन मदन मुरारी का आया है जन्मदिन मदन मुरारी का आया है जन्मदिन मदन मुरारी का Yeah.